केंद्रीय शिक्षा मंत्री व यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बीजेपी जिम्मेवारी में है और जनता की सेवा के दायित्व में भी है। बीजेपी सरकार ने विकास किया है और यूपी को विकसित राज्य बनाया है। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और कानून का राज कायम हुआ है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने कोरोना का कुशल प्रबंधन किया और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता की जन आस्था बीजेपी और मोदी जी में है। प्रदेश के लोगों की आस्था सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा में भी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह सभी हमारे प्लस पॉइंट है। इस आधार पर बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बनाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से सर्किट हाउस में नाश्ते पर हुई मुलाकात पर कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने संजय निषाद को लेकर कहा, अच्छे सहयोगी हैं और हम मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाले दिनों में मछुआ प्रकोष्ठ की ओर से बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के साथ निषाद पार्टी, अपना दल और एनडीए के घटक दल मौजूद रहेंगे। मछुआ समाज के इस बड़े कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी आज काशी प्रांत के 5 जिलों के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों की बैठक संबोधित करने पहुंचे थे। केपी ग्राउंड में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि मंडल और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संगठन पर है। प्रयागराज में 105 मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही उनसे चुनाव की तैयारी में जुटने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया गया है। आज आए थे, उन्होंने काफी कुछ बोला यहाँ पर आपकी पार्टी, मेरे को भी काफी कुछ बोला, लेकिन आगे क्या योजना है? क्या संजय निषाद जी की बड़ी सभा होने जा रही है? देखो, संजय निषाद जी की पार्टी एनडीए की हिस्सा है और आज मेरे से नाश्ता किए हैं, हमारे अच्छे सहयोगी हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़े। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर, हाँ, स्वाभाविक आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम मछुआ प्रकोष्ठ की ओर से एनडीए की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और जिसमें जिसके नेता संजय निषाद जी, हमारी और बाकी हमारे अपना दल है, एनडीए की एक मछुआ प्रकोष्ठ फिशरमैन सेल की ओर से एक बहुत बड़ी समावेश होगा। बतौर चुनाव प्रभारी क्या चुनौती देखते हैं आप? कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है यूपी में? क्या देखो, हमने काम किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, कानून की राज प्रतिष्ठा हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की डबल इंजन आगे जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना की संभाल को देखिए, अर्थनीति को दोबारा पटरी पे लाने की बात देखिए, ये सारे में आज हम जन आस्था की विश्वासी हुए हैं। जन आस्था हमारे ऊपर है, मोदी जी पे विशेष करके हैं और यहाँ के प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी जी पे भी हैं, केशव जी पे भी हैं, दिनेश जी पे भी हैं। ये सारा विषय हमारी पॉजिटिव पॉइंट है। हमें पूरा विश्वास है अगले चुनाव में भी पुराने जैसे बहुमत और स्पष्ट बहुमत पार्टी को मिलेगी। भारी भी हैं तो किस तरह का आज जीत का मंत्र यहाँ पर देने आए हैं पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए? क्या मंथन होने जा रहा है? देखो, मैं आज आया था प्रयागराज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में मैं आज भाग लेने आया था। हमारे काशी क्षेत्र की सर सामने ही देखिए अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, ये सब का सुझाव था मैं कार्यकर्ताओं को मिलूं। स्वाभाविक चुनाव चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। पार्टी जिम्मेवारी में है, सेवा की दायित्व में है, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम मोदी जी की नेतृत्व में, योगी जी की नेतृत्व में, केशव जी की नेतृत्व में, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के नाते पार्टी की दायित्व बनती है संगठन को तंदुरुस्त करके लोक कल्याण की बातों को जनता तक ले जाना। पार्टी अभी पूरा प्रदेश भर में
संगठन की ओर से बूथ रचना, मंडल विधानसभा स्तरीय संगठन, जिला स्तरीय समन्वय, ये सारे कामों में लगी है। अभी अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे में आए थे। सदस्यता अभियान अभी हमारी पुरजोर प्रदेश में चल रहा है। अनेक प्रकार की संगठनात्मक बैठक भी चल रही है। लोक कल्याण के अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दौरा पिछले दिनों में 2-3 बार हो चुका है। आने वाले दिनों में नवंबर माह में भी प्रदेश की विभिन्न प्रांतों में जाएंगे। अन्य राष्ट्रीय नेताओं का और प्रादेशिक नेताओं की सघन दौरा हुआ है। आज हम यहाँ 5 संगठन इकाई की जिले की कार्यकर्ताओं को, विशेष करके हमारी लड़ाई बूथ पे होती है। मंडल हमारी मूल रीढ़ की हड्डी है। आज हम यहाँ 105 मंडल की मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, ऐसे मित्रों को मिलने वाले हैं। पार्टी की जो संगठनात्मक रचना बनी है उसकी लेखा जोखा आज समीक्षा की जाएगी और फिर आगे की महीने की यानी नवंबर दिसंबर की रणनीति की और संपूर्ण योजना बनेगी।